भाइयों और बहनों, बॉयज एंड गर्ल्स, आ चुका हूं मैं फिर से वही हफ्ते भर का माल लेकर जिसे हम न्यूज के नाम पर एंजॉय करते हैं। तो ईयरफोन्स लगा लो। क्या मतलब ये सस्ता नर्डी न्यूज है? क्या मतलब पापा इधर ही देख रहे हैं? क्या मतलब टीवी पे लगा दिया था? तो हमारी आज की सबसे पहली खबर है लास्ट ऑफ अस के टीजर को लेकर। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग लास्ट ऑफ अस के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सर्वाइवल हॉरर गेम है, जो सबसे पहले PS3 में आया था, फिर इसको PS4 के लिए रिमास्टर किया गया, फिर PS5 के लिए हाल ही में रिमास्टर किया गया है, कुछ टाइम पहले इसका सीक्वल भी आया था। बहुत ही ऑसम गेम है और इसमें मेन कहानी ये है कि दुनिया में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है और इंसान ने ज़ॉम्बीज के साथ में रहना सीख लिया है, लेकिन फिर वो एक दूसरे के भी दुश्मन बने हुए हैं। मतलब बंदूकें तक नहीं इस दुनिया में, क्या फायदा ऐसी दुनिया में जी के, मैं तो पहले ही मर जाता, इतनी बुरी तरह से किसको जीना है। खैर, तो इस गेम के दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे बाप और बेटी की रिलेशनशिप दिखाई है, हालांकि दोनों होते नहीं है बाप बेटी, पर ऐसे रिलेशनशिप उन दोनों की होती है। तो इसमें जो जोएल मतलब मेन कैरेक्टर का रोल है, उसको हमारी उल्टी बाल्टी में अच्छी एक्टिंग करने वाले पेड्रो पास्कल प्ले कर रहे हैं, और जो लड़की मतलब एली बनी है, वो गेम ऑफ थ्रोन्स में आपको एक आंख फोड़ने वाली लड़की याद होगी ना, बैड एस, जिसने जॉइंट के से एक आंख फोड़ के उसको जान से मार दिया, तो वो प्ले कर रही है। और कुछ ही टाइम पहले इसका टीजर आया, एंड टीजर आई हैव टू से कि बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग था, देखकर मजा आ गया। फैसिनेटिंग कितनी बार बोल देता हूं मैं, टीजर मस्त था। और इसमें इन्होंने इस गेम के एक बहुत ही खतरनाक टाइप के ज़ॉम्बी क्लिकर को भी दिखाया हुआ है, जो इस यूनिवर्स का डेयर डेविल, मतलब ऐसे खोपड़े के नाम पे फंगस उगी हुई है, देख नहीं सकता, काट सकता है और बहुत खतरनाक है। इस हफ्ते कितने डेयर डेविल के जोक्स मार दिए मैंने, और बताओ शी हल्क पे। तो शी हल्क का अगला एपिसोड आ गया और इसे मैंने देख भी लिया, और इसे देखने के बाद मुझे अपनी खुद की जिंदगी पे ही डाउट होने लगा, नहीं यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, ऐसी देख रहा हूं अपनी जिंदगी को, रेट्रोस्पेक्ट कर रहा हूं कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, क्योंकि शी हल्क को एबोमिनेशन के गुंडा सुधार कार्यालय में जाते हुए देख करके और अपने आप को फाइंड करना, बस यही तो देखना बाकी रह गया था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, शी हल्क को जॉर्ज के नाम पे सस्ता हैंडसम लसन 15 दिन पहले ही तो मिला था और 3 बार उसके साथ बाहर गई है, उसमें इतना गहरा प्यार, असली आईडी से आओ धूम के उदय चोपड़ा। और इससे मुझे याद है कि हमारा अगला टॉपिक है रिंग्स ऑफ पावर, तो मैंने फाइनल रिंग्स ऑफ पावर के 6 एपिसोड्स देख लिए, एकदम बढ़िया तरीके से बैठ के बिंज वॉच किया, एंड आई हैव टू से कि भाई क्या बेहतरीन तरीके का काम किया है। इस वाले एपिसोड में तो ज्वालामुखी फोड़ दिया, और देख के लगता है कि अमेज़न के लेक्स लूथर बेजो भाई ने अच्छा खासा माल फूका है। नहीं, वो वाले की बात नहीं कर रहा। फिर इसके बाद मार्वल के कोने से एक बढ़िया सी खबर आते हुए कि थंडरबोल्ट्स में इन्होंने जो थंडरबोल्ट रॉस है उसके कैरेक्टर के लिए हैरिसन फोर्ड को कास्ट कर लिया है। अभी हैरिसन फोर्ड को नहीं जानते तो इंडियाना जोन्स जाके देखो, एकदम लेजेंडरी एक्टर है। और हालांकि इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन केविन जी इस बात को D23 में ही अनाउंस करने वाले थे, तो जो इंडियाना जोन्स के मेकर्स है उन्होंने कहा कि काम करो, आप ही सब कुछ बता दो, हम छुपा लेते, इंडियाना जोन्स की खबर भी आप ही फैला दो। लेकिन फिर केविन चाचा ने कहा कि अरे नहीं नहीं, आप तो फालतू में नाराज हो गए, चलो आप अपनी इंडियाना जोन्स की खबर सुना देना, हम अपनी लीक कर देंगे। तो वो लीक हो गई। और अगर आप लोग इस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते, तो थंडरबोल्ट रॉस बेसिकली हल्क का सबसे जानी दुश्मन होता है, और यही वो बंदा है जो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है। वैसे मृत्यु से पहले हैरिसन फोर्ड को हल्क बनता हुआ, वो भी लाल वाला देखना, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, बस गार्लिक नान, बटर चिकन और खिला दो, नवरात्रे चल रहे हैं, नहीं सॉरी। और इसके बाद वाली बात, बाब आदम के जमाने से बादल मुझको रेकमेंड कर रहा था डेविल मैन क्राई बेबी नाम का एक एनिमे, तो फाइनली उसको मैंने देख लिया, और अब आप भी देख लो, लेकिन मम्मी पापा से छुप के, नहीं तो पहले तो मम्मी पापा सीख जाएंगे कि मुर्गी ताई नाम की कोई चीज होती है, उसके बाद इतने बेल्ट बेल्ट पड़ेंगे कि शी हल्क देखने पे भी बेल्ट खाओगे। क्या मतलब, शी हल्क देखने वालों को तो वैसे ही बेल्ट पड़ने चाहिए, फिर बेल्ट निकल आया है, ये क्या मतलब, और शी हल्क वाले कितने जोक मार दिया आज मैंने, क्या मतलब इनको जोक नहीं कहते। फिर इसके बाद आने वाली अगली कुछ खबरें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मार्वल वालों ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि नेमोर जो है वो मार्वल का पहला म्यूटेंट होने वाला है, जो पूरी तरह से सही भी है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में भी सबसे पहला म्यूटेंट था। और ऐसा कौन सा इंसान होता है जिसके पैरों पे पंख और लंबे लंबे कान, यही तो एक शिकायत रह गई, भगवान से कान लंबे कर देता थोड़े से, एलियन जैसे चौड़े बना दिए। लेकिन इसके साथ ही साथ इन लोगों ने ये बात भी रिवील करी है कि कॉमिक बुक्स की तरह नेमोर यहाँ पर एटलांटिस पे रूल नहीं करेगा, बल्कि इसका अंडरवाटर किंगडम जो है उसको टलोकन टलोचन टाइप का कुछ नाम दिया गया है। फिर मेरा एक ही सवाल है आपसे, जब इसका सब कुछ ही बदल दिया है तो नाम भी पैर पंखा सेक्सी किंग रख देते, PPSK for short। खैर, इसके बाद आने वाली न्यूज भी वकांडा फॉरएवर की है कि इसका रन टाइम एक्चुअली 2 घंटे 41 मिनट्स का है, जो इसको फेज 4 की अभी तक की सबसे लंबी मूवी बना देता है। इटर्नल से भी 3-4 मिनट लंबी है ये, और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये मूवी एक्चुअली में ब्लैक पैंथर का सीक्वल नहीं, बल्कि एक ओरिजिन स्टोरी है, और वो भी दो अलग अलग सुपर हीरोज की, सबसे पहले तो हमारी ब्लैक पैंथर और दूसरा PPSK। फिर इसके बाद एक काफी एक्साइटिंग सी न्यूज है, तो डिज्नी वालों ने सोचा कि भाई इतने टाइम से सब कुछ चल ही रहा था, तो हमने जो फॉक्स स्टूडियो से बंदर लिए थे उनका क्या हुआ, तो इसी वजह से किंगडम
किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स अनाउंस हो चुकी है और ये कहानी बेसिकली वॉर ऑफ प्लैनेट ऑफ द एप्स के काफी साल बाद टेक प्लेस करती है। इसमें एक नया प्रोटैगनिस्ट होगा और इसके लिए इन लोगों ने कई सारे लोगों को भी कास्ट कर दिया है और इसका मेन कैरेक्टर जो है वो कॉर्नेलियस होगा, जिसके कंसेप्ट आर्ट सॉर्ट ऑफ दिखाया गया था। ये 2024 में रिलीज होने वाली है और जो विचर में सिरी का रोल प्ले करती है वो इस मूवी में कास्ट कर ली गई है। तो सब अच्छी चल रही है, सब चीजें बढ़िया, एक्साइटेड। तो जैसे आयरन मैन 1 वाले रोडी ने वॉर मशीन के सूट को देख के नेक्स्ट टाइम बेबे बोला और मार्वल वालों ने उसको उचका दिया, तो मुझे लगा था कि जब D23 में आर्मर वॉर्स का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो इन लोगों ने इसको भी उचका दिया। लेकिन फिर हमको पता लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना माल था ही नहीं कि एक सीरीज बनाई जाए, तो उन्होंने इसको मूवी बना दिया। खैर जो कुछ भी है, मैं तो इस बात को लेकर खुश हूं कि व्हाइट विजन 3 साल तक उड़ने के बाद कम से कम अब तो जमीन पे उतरेगा। और इसके बाद आने वाली खबर पूरे हफ्ते से दुनिया जमाने में बड़ी है, क्योंकि डेडपूल जो रायन रेनॉल्ड्स का रोल भी प्ले कर लिया करते हैं, उन्होंने ये बात अनाउंस करी कि इनका थर्ड पार्ट आ रहा है। और इतना ही नहीं, इसमें वुल्वरीन को ह्यूज जैकमैन बना के वापस लेके आने वाले। लेकिन 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 इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना, इन्होंने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि लोगन को ये टच नहीं करने वाले। तो जो कुछ भी काम होगा या तो अलग यूनिवर्स में होगा या फिर ऐसे पुरानी कहानी। लेकिन फिर इसके बाद इन लोगों ने एक वीडियो और रिलीज करा इस मूवी की डिटेल्स बताते हुए, जो हमारा काम है। अब ऐसे फैन थ्योरीज बनाने वालों के भी पेट पे लात मारोगे क्या साहेब? लेकिन बाद में पता लगा कि उस पूरे वीडियो के ऊपर इन लोगों ने एक अच्छा खासा बढ़िया सा म्यूजिक डाल दिया, तो जो भी बोला है वो समझ में नहीं आ रहा है क्या, मतलब किसी यूट्यूबर ने इसका लिप सिंक कर दिया। कौन है वो? हाँ, तो वीडियो देख के पता चला कि उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अपन अपनी फैन थ्योरीज बना सकते हैं क्या, मतलब उनसे पहले मैं डेडपूल 3 की स्क्रिप्ट लिख लूंगा। और देखो, पहले वाला डर अभी भी मन में है कि डेडपूल 2 की तरह ये लोग इसकी हिंदी डबिंग अभी भी रणवीर सिंह से ना करवा ले। कौन बोल रहा है कि वोल्वरीन के अर्जुन कपूर कर रहा है? और देखो, वाला पूरा वीडियो बनाकर मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन फिर इतने सालों के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ कि विंडोज 95 के लिए इन लोगों ने एक नया गेम अनाउंस कर दिया है, आदि पुरुष नाम का। क्या मतलब मूवी है, पहले बनी थी क्या, अभी आने वाली है? और देखो, मजाक मस्ती एक तरफ है, जब कल शाम को फ्लिकवर्सपेस का रिव्यू किया था तो मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो गया था, लेकिन फिर इसको मल्टीपल टाइम्स देखने के बाद मुझे रियलाइज हो गया, चलो VFX के साथ तो आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दोगे, 19:20 कर दोगे, लेकिन जो कुछ चीजें हैं उनको कैसे ठीक कर पाओगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, विलन सैफ अली खान जो रावण बने हैं उनका हेयर कट, मतलब इस मूवी की स्टोरी जिस भी एरा में सेट हो हमारे मॉडर्न टाइम में तो नहीं है, लेकिन इस शॉट में सैफ अली खान के कानों के ऊपर बालों में कट लगा हुआ है जैसे किसी मॉडर्न नाई ने काटे हो। इतनी बढ़िया दाढ़ी तो मेरा नाई भी सेट नहीं कर पाता है। और प्लीज कोई मुझसे ये मत कहना कि इन लोगों ने इस पिक्चर में रावण को उसके पुष्पक विमान से उठा करके कुपोषित चमगादड़ पे बिठा दिया है। मतलब अगर गेम ऑफ थ्रोन से उठाए रहते तो कम से कम अच्छा खासा ड्रैगन बनवा लेते, उन लोगों ने भी इंडिया से ही बनवाए थे। और चमगादड़ कितना भी कुपोषित हो, नीचे व्यवस्था अच्छी करवा रखी है, क्योंकि बैठने के बाद भी ऊपर नीचे नहीं हो रहे, तो शॉक एब्जॉर्बर इसमें भी है। और इसके आने के बाद बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि इस टीजर को देख के हमारे मन में ब्रह्मास्त्र, बालवीर और छोटा भीम के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और देखो, मुझे आप ये चीज कमेंट्स में क्लियर करना, क्योंकि मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं कि क्या ये असली में रामायण के ऊपर ही बनी हुई है, क्योंकि रावण की लंका में इतना अंधेरा है कि ये सोने की नहीं बल्कि सोने की लग रही है, और उसके भी ऊपर से उसकी आर्मी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑक्स के जैसी लग रही है जो हमने हॉबिट मूवी में देखे थे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख लो, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। और पर्सनली मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने वानर सेना को भी VFX से क्यों क्रिएट किया, जब इतने सालों में हम लोगों ने इन्हें कई बार लाइव एक्शन में बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रे होते हुए देखा है, तो यहां पर VFX का इस्तेमाल क्यों? और उसके भी ऊपर से इन लोगों ने पूरी की पूरी वानर सेना को गोरिल्लास में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बहुत अच्छी बात यह है कि कार्तिक 2 की तरह इसका बजट भी 15-20 करोड़ का ही है। क्या मतलब 500 करोड़ में बनी है? भाई अगर किसी को बाजार में बता दिया कि 500 करोड़ में बनी हुई मूवी है तो वो चप्पल मारेगा पहले, निकालेगा बाद में। और वो पीछे हमेशा कहता है ना कि पिक्चर को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मजा पूरा देना चाहिए, तो मजा तो ये पूरा दे रही है। अब आई जस्ट होप कि जैसे मार्वल वाले अपनी पिक्चर रिलीज होने से पहले 1,000,000,000 करोड़ क्लिप ऐसे रिलीज कर देते, तो ये भी वैसा कुछ करे, ताकि हमको मजे के साथ साथ ऐसे मस्त कंटेंट भी मिलता रहे। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखो, सब चीजें मजाक मस्ती में बोली, किसी भी चीज पे बुरा मानने की बात नहीं है। अच्छा लगा लाइक ठोक दो, और एकदम ही अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।